वेलकम बैक मिस्टर कॉल। वी वर थैंक यू डिस्कस जी। अबाउट द पॉसिबिलिटी और योर एक्सपीरियंस हु इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवोर्स। जनरली ये लड़कियों की तरफ से इनिशिएट ज़्यादा होता है या लड़के इनिशिएट करना चाहते हैं, और विदेशों में और इंडिया में इसमें कुछ अलग तरीके का ट्रेंड है। देखिए, इसमें कोई डेफिनेट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट। लेकिन मुझे इतना पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली जो है वो लड़कियां ज्यादा इनिशिएट करती हैं डिवोर्स ओके के। इंडिया का मुझे इतना पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा लड़कियां इनिशिएट करती हैं। यहाँ मेरे ख्याल, बट दिस जस्ट माई ओपिनियन, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इट मस्ट बी 50-50। लड़के भी उतना इनिशिएट करते हैं कि हाँ जी मुझे डिवोर्स लेना है, जितने की लड़कियां करते हैं, दोनों की तरफ कौसा से यहाँ। कौसा आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां जब से डिपेंडेंट विदेशों में ज्यादा अपना काम करती हैं, डिपेंडेंट हैं अपने आप पर पूरी तरह से, और उन्हें किसी की सहारे की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी इंडिया में, इसकी वजह से देशों में तलाक ज़्यादा हैं, इंडिया में आदमी रोता है, झीकता है और झेलता है। देखिए, जब से ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एंड कि भाई आदमी जो है वो बाहर जाके काम करता है, पैसे कमाता है, और औरत जो है वो घर बार संभालती है, बच्चे संभालते हैं, ये जो एक एक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो चल रही थी हमारी बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, वो जब से खत्म हुई है, एंड दिस इज ओनली हैपेंड इन द लास्ट प्रॉबली 35-40 ईयर्स। तब से जो है एक क्या कहना चाहिए, वेमेन इमेंसिपेशन जिसको कहते हैं, एक वेमेन का जो एक डेवलपमेंट का जो एक एक जो क्या कहना चाहिए सुनामी आई है, वो जो है दैट हैज कॉज्ड ए लॉट ऑफ टर्मोइल इन द सोसाइटी, नॉट फॉर देम। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी माइन्यूटली। ये डिफरेंस जो है, ये जो चेंजेस आई हैं, ये जो सुनामी आई है, ये औरतों के लिए नहीं आई। औरतें तो ये सुनामी क्रिएट कर रही, तो दे आर इन इट, ये तो वो तो इन इसमें हैं। जो लोग जो स्टैब्लिश एक क्या कहना चाहिए सोसाइटल नॉर्म्स जो है, जो कि प्रिडोमिनेंटली मेल वो चलाते हैं, उनके लाइफ में जो है एक तरह से टर्मोइल आ गया कि भाई इतना अच्छा तो चल रहा था। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि जब जैसे आप शादी करके आए, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बीवी वैसे ही बिहेव करे जैसी आपकी माँ आपके पिताजी के साथ बिहेव कर रही है। इन मोर और लेस वे शी वॉज सबसर्वियंट टू योर फादर इन होम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सिस्टम था या ठीक सिस्टम था, या ये अब जो चल रहा है ये ठीक है या गलत है। मैं उसकी जजमेंट कॉल जो है वो बिल्कुल आखिर में लेंगे, आप उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी इसके बारे में ये जरूरी है कि लोगों में ये अवेयरनेस आए, वो बहुत जरूरी है, फिर जजमेंट कॉल लेंगे उसके बारे में कि हाँ भाई क्या तरीका होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बाद में लेंगे। तो होता क्या है कि औरत जो है जो आजकल काम पे जा रही है वो सब सबसर्वियंट नहीं हो सकती। अगर वो भी थकी हुई है जैसे आप थके हुए, तो वो भी एक्सपेक्ट करती है कि हाँ भाई सुधीर जरा एक गिलास पानी पिला दो, या सुरेन जरा एक गिलास पानी मेरे को पिला दो। तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, यार मेरे बाप ने तो आज तक अपनी माँ को, मेरी माँ को पानी नहीं पिलाया, उल्टा माँ पिलाती है, या खैर नौकरानी वगैरह हो तो बात दूसरी होगी, बट इन मोर लेस एक क्या कहना चाहिए जॉइंट फैमिली या एक जो पुराने हिसाब से जो फैमिली चलती थी उसमें यही होता था कि भाई द लेडी वाज 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 ए काइंड ऑफ ए कर्ता धर्ता विद इन द हाउस,
And that's why it was expected that she was going to cook and she was going to serve also. ये तो अब जरा थोड़ा फाइनेंशियल खुशहाली आ गई है कि लोगों बागों ने अपना मेड रखनी चालू कर दी और ये वो. पहले तो इनफैक्ट अगर मैं बात करूं से 40 साल 50 साल पहले, जिससे 60 साल पहले, I think we were touched with God's grace. We were doing well. My father was a chief engineer back then in 50s. तो हमारे तो वो थी बर्तन मांजने वाली, झाड़ लगाने वाली. लेकिन बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज तक चौका बर्तन वगैरह सब औरतें खुद ही करा करती थी, या फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो वो करा करते थे. तो ये जो चीजें हैं तो वो सोसाइटी में बहुत फर्क आ गया है. तो फाइनल बात मैं इसमें कहना चाहूंगा वो ये कि वुमेन की जो प्रोग्रेस की जो रेट है, दैट हैज बीन फार 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 ग्रेटर इन दीज लास्ट 40 इयर्स देन व्हाट द मैन हैव बीन एबल टू एडजस्ट टू दैट प्रोग्रेस. वहां पे थोड़ी सी मेन आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. मैं नहीं कह रहा कि जो मॉडर्न जो लड़के हैं आजकल के जो 25 साल के 30 साल के, वो भी काफी अवेयर है इस बारे में कि भाई ठीक है अगर मेरी बीवी काम कर रही है वो थक गई है तो मैं उसके लिए गिलास ला सकता हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो मेल डोमिनेंस था बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल पावर अर्लियर, वो डोमिनेंस जो है वो खत्म हो गई. अब जो है नाउ इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड बोथ आर इक्वल. Or if I go as far as to say, in some cases, even women are earning more and men are earning less. तो वो भी एक मेल ईगो जो है वो हर्ट होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि साला मेरी बीवी मेरे से ज्यादा कमा रही है. तो ये सब मुद्दे जो है ये आगे बढ़ के जो है क्या कहना चाहिए, एक असूर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, गहरा घाव हो जाते हैं. और उसके बाद जो है फिर जब एडजस्ट करने की जो जो क्षमता जो कि मैं पहले बता रहा था वो जब नहीं रहती तो फिर आदमी का जो है वो नेचुरली वो अपने सेपरेट वेज चले जाते. मेरा मानना तो कॉल साहब ये है कि आजकल फीमेल्स डोमिनेट करती हैं. पहले मेल्स के बारे में शिकायतें सुनने को मिलती थी, मगर डोमिनेट करने के बावजूद भी मेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे. आप अपना इतिहास पढ़ लें, राजा दशरथ को देख लें, कोई कोई केकई से पत्नी थोड़ी थी उनकी, मगर यह है कि उन्होंने और केकई ने उनकी चिंता नहीं की. मगर प्रेम तो प्रेम के बारे में तो आदमी हमेशा आगे रहा है. और ये आजकल के जो बच्चे हैं वो घर में और अपने स्पाउस की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. हमारे पेरेंट्स क्या करते होंगे या हमारे बुजुर्ग लोगों ने क्या किया होगा या हम लोगों ने भी कितना किया होगा. ये नई जनरेशन के जो बच्चे हैं स्पेशली मेल चाइल्ड, वो दे आर डूइंग वंडरफुली वेल एंड दे रेस्पेक्ट देयर स्पाउस देन मोर देन व्हाट वी यूज टू डू फॉर आवर एट आवर टाइम. तो मैं ही जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में शादी नहीं करना चाहते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और आप ये कहते हैं कि तलाक कोई बुरी चीज नहीं है, तलाक को इस तरह से नहीं लेना चाहिए, आपने बताया भी. तो आप यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि भाई शादी कर लो और फिर तलाक दे दो, क्या क्या मतलब क्या है आपका, आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि जो डेवलपमेंट कह लीजिए उसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी है. जितना जितना जो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोगों में आती जाएगी उतना ज़्यादा वो मानसिक रूप से अपने आप को ज़्यादा सेफ पाएंगे, और जितना वो अपने आप को सेफ पाएंगे उतना ही वो एडजस्टमेंट कम, चाहे वो आदमी हो या औरत. ये ट्रेंड तो आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, ये आएगा. ये जिसे कहते हैं एक ह्यूमन एवोल्यूशन का एक ये पार्ट है. वो ह्यूमन एवोल्यूशन को ना आदमी ना किसी कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा फ्यूचर. ये ह्यूमन एवोल्यूशन जो है चलता है, इसको आप रोक.
अब आप कहते हो कि नहीं जी, आजकल के लड़के जो है वो बड़ा अच्छा, उनके अपनी बीवी की मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब आप जा रहे हो एक बहुत अलग एंगल पर। आपने बेसिक चीजें तो आपने ठीक कर ली, लेकिन अब क्या होता है कि नाउ वी आर टचिंग द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, और इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। अगर जो वेल नोन जो फैक्ट है, जो कि इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी बड़ा प्रचलित है, वो ये है कि भाई हस्बैंड ऐसा चुनना चाहिए जो में जिसमें हास्य रस खूब हो, वो आपको क्या कहते हैं चुटकुले सुनाए या हंसी मजाक की बात करे, या थोड़ा उसमें क्या कहना चाहिए बचपना हो, थोड़ा हमेशा अप एंड अबाउट टाइप की जो है वो एटमोसफेयर बना के घर। और लड़कियां उस बात को उन्होंने दिल में ढाल लिया कि हाँ भाई लड़का ऐसा चाहिए जो कि हंसी मजाक करता रहा है, सब कुछ करता है। पता होता क्या है, वही हंसी मजाक 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल, जो भी कितना भी टाइम लगे या महीने के बाद, वो औरत को खलने लगता। समझे आप? क्योंकि होता क्या है कि कोई भी आपकी आदत, वो अगर आदत जो है आपकी दृढ़ बन चुकी है, आप उसी हिसाब से आप उसको चलते रहते हो, चलते रहते हो, तो आप जो है बन जाते हो प्रडिक्टेबल। समझ रहे हो? प्रडिक्टेबल, प्रडिक्टेबल मतलब कि आप अनुमानित बन जाते हो, आपका अनुमान लग जाता है कि भैया ये ऐसे ही करने वाला है या ये ऐसे ही करने वाली है। तो आपका धीरे 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 इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट स्लैश लव बोलो, वो जो है आपका धीरे धीरे जो है घटता जाता। और फिर आप कहते हो यार इसमें तो इस औरत के साथ या इस आदमी के साथ तो मजा ही नहीं आता। वो अभी स्टेज जो है इंडिया में अभी वो कम है, लेकिन बाहर के देशों में ये स्टेज जो है दिस हैज बीन प्रोडोमिनेंट फॉर मेनी मेनी इयर्स, कि आपको जो है अपने आप को रीडेवलप करना है, री इन्वेंट करना है ऑल द टाइम, टू कीप योर सेल्फ वैलिड विद योर स्पाउस। और वो काम जो है बहुत बहुत बहुत, टेक इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई नो दिस। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को री इन्वेंट करते हो, इसका मतलब यह है कि आपकी पुरानी आदतें, अगर आप कॉफी पी रहे थे, मैं बहुत क्रूड एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन वो मतलब समझाने के लिए, अगर आप पहले जो है चाय पीते थे रोज, आप कॉफी में चीज चेंज कर दिए, आप विस्की पीते थे, आप जो है अब बियर पीने लग जाओ, ये तो बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन मेंटेलिटी को आप कैसे चेंज करोगे भाई साहब? मेंटेलिटी को चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप हर दूसरे तीसरे महीने या हर दूसरे तीसरे साल या हर 5-7 साल के बाद जो है आप अपना टैग बदल दो अपने स्पाउस के, ताकि आप जो है इंटरेस्टिंग बने रहो, बने रहो अपने स्पाउस की। और ये एक तरफा स्ट्रीट नहीं है, ये दोनों तरफ से। वेरी गुड, आदमी भी एक औरत जो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, आफ्टर ए पॉइंट आप जो है कहते हैं यार ये क्या, ये तो मतलब जिसे कहते हैं वो भूसे का ढेर पड़ा हुआ है, बस पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई 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 नई चीज नहीं हो रही, कोई कुछ हो नहीं रहा हमारी लाइफ में, हम वैसे ही उसी धरने पे घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे। और फिर एक दिन ऐसा आता है तब कहते हो यार लाइफ क्या बस यही है ये? आप आजकल ये सेंटेंस आप बहुत मैरिड कपल से सुनोगे, अगर आप बात करोगे यार ये मैरिड लाइफ थी, ये सोच के हम लोगों ने मैरिज करी थी मैंने इस औरत से या इस आदमी से। अगर ऐसा था तो भैया मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं ऐसे शादी कर, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो है ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है बाहर के देशों में, तो खैर बहुत सालों से थी, यहाँ पे भी अब धीरे धीरे जो यंगस्टर जो नए नए जो 25 साल से 30 साल, मैं बात करूं जो मिलेनियल्स जो है, जो कि मतलब 2000 से 10 साल पहले और 10 साल बाद जो पैदा हुए, वो लोग जो है इस फेज से गुजर रहे हैं स्पेशली, कि उनको चाहिए कि साला कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट जो है वो चलते रहना चाहिए। उससे जो है वो उसका मतलब ये है कि अगर आप मैरिड हो गए तो भाई साहब आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, ताकि एक्साइटमेंट बना रहे, एक्साइटमेंट बना रहेगा तो एक दूसरे से एक क्या कहना चाहिए, एक एक क्या कहना चाहिए लगाव बना रहेगा, लगाव का मतलब लव भी।